सही खिला रही है मेरी मम्मी एप्पल, मुझे दिमाग तो बढ़ रहा है मेरा। भगवान माता रानी कसम इसने मुझे मारा है। मेरे नाक में मेरे आंसू जम गए थे, मैं ऐसे कर रहा था। गुड मॉर्निंग अभी बच्चों के सुबह के नौ। मैं बोल भी रही हूँ की माई चैनल और नहीं माई चैनल, फिर भी पीछे से आया हाथ हाय कर रही है। यार इस लड़की को इग्नोर करो, ये बहुत ही जानलेवा है, इसने मुझे नाखून मारा है। ये देख रहे हो कुत्ते वाले इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये इसने मुझे मारा है। भगवान माता रानी कसम इसने मुझे मारा है। दिखेगा कैसे जब मैंने मारा ही नहीं। ये ना उन लोगों में से जो हवा में तीर छोड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, एक हवा में तीर छोड़ते हैं, उड़ता तीर लेते हैं, तो जब इस जैसे तीर छोड़ेंगे तभी तो लोग उड़ता तीर पकड़ेंगे। तो ये उनमें से जो हवा में तीर छोड़ते हैं। खैर अभी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मैं से उजड़ा चमन से हो रखी हूँ। रानू मंडल ने तो अपना हुलिया सुधार लिया है क्योंकि इसे जाना है इंस्टीट्यूट और भविष्य बनाएगी, अपना इंस्टीट्यूट जाएगी। और मैं घर में बाथरूम साफ करूंगी क्योंकि दिवाली आ रही है, ये भविष्य बनाएगी, हम हैप्पी दिवाली बनाएंगे। फिलहाल अभी फटाफट फ्रेश हो जाते हैं और नाश्ता पानी करते हैं, जब तक ये घर आ जाएगी। हाँ। पोछा पानी तैयार रखेंगे, ये मस्त पोछा मार के दिखाएगी। चलिए दोस्तों, लज्जा हया कुछ नहीं है इसके अंदर भाई। इस बात की शर्म इस बात की जिस इंसान को तूने खूंखार तरीके से मारा, जानलेवा जानवर, बार बार दिखाऊंगी भाई। ये देखो इसने मुझे कैसे मारा है, ठीक है। कहाँ है तुझे, कहाँ मारा है, दिख नहीं रहा है ना बहन, दिखेगा कैसे नहीं मारा। हाँ दिखा दिखा, ओ वाओ ये गुंडी है, इसने किसी को ऐसे नोक बना के गुस्सा मारा होगा और मुझे कह रही है तूने मारा है। भाई इस मेरे को लगा कि इसने मुझे आज तो बहुत ही पेला है, क्या पता कल से मेरी चीजें यूज नहीं करेगी। भाई ये देख रहे हो, जूता जींस टी शर्ट, ये बाल भी मेरे ही ले ले अपने, क्यों लगाए, टकली हो जाए, मेरे बालों की विग बना ले। भाई ये होंठों का लिपस्टिक, बस दांत अपने हैं, वो तो पता ही चल रहा होगा दोस्तों को। तूने अंदरूनी छोड़ दी, तूने मेरे दिल पे छोड़ दिए, किसी को नहीं दिखेगी। हाँ अंदरूनी छोड़ दिए, क्यों मेरी बंदी थी तुम्हें, तेरे को धोखा दे दिया। चुप रहेगी, लव जिहाद कर दिया मैंने तेरे साथ। रात को तीन बजे उठी मार रही मुझे, किस लिए मारा था, सिर्फ इसको बोला था मेरे को इस साइड सोने दे, इसने मुझे इस साइड सोने दिया, मैं इसकी जगह में सो गई। ओ भाई मम्मी ने लाइट बंद करी, ये मेरे ऊपर कूद गई, रात के 3 बजे इसने मेरे को मारा। पता है रात के 3 बजे कौन सा टाइम हो रखा होता है, भूत प्रेतों वाला, तो तेरे अंदर का प्रेत जग गया था, तभी तो तूने देखा नहीं मेरी सगी बहन को मैं कैसे मार रही हूँ। देखो भाई मैंने बोला हट, मेरे को तो दिखाने में भी शर्म आ रही है, मेरे हाथ की तरफ बोनस है। पर इसने मुझे मारा है, पर मैं दिखाऊंगी। तूने भी मारा है मुझे, शुरुआत तो तूने की थी। महिलाओं का गहना होता है शर्म लज्जा, नहीं है ये होता है महिलाओं का गहना जो तुमने नहीं पहना। और ये हाथ में जो क्लच और लिपस्टिक है ये भी भाड़े की मेरे ही दी है, ठीक है लिपस्टिक दे दे मेरी, ऐसे देखती हूँ क्लैचर लगा के तो कितनी सुंदर दिखेगी। हाँ तू तो ये सरप ले जाया कर अपने साथ, इससे मुंह धोया कर बीच बीच में। मैं लेट हो रही हूँ, लिपस्टिक लगानी है। कहाँ से अट जाऊँ, यहाँ से शीशा है ना पीछे। चलो जाओ, मैं भी देखूंगी कैसे शीशा देखती है तू, कि तुझे गलत फहमी हो जाती है। ये मेरी सेल्फी स्टिक देख रहे हो। मैं ना बार बार अपनी चोट ऐसे ऐसे दिखा रही हूँ कि अपने नहीं तो कोई बाहर वाले तो सुने। अच्छा। मेरी बात भाई, जब इसने मुझे मारा ना अंदर से पापा उठ कर आए, ठीक है, और पापा ना क्या कह रहे पता है, बेटा भाई वो पापा जिन्हें मैंने माँ का दर्जा भी दिया हुआ है, वो पापा अंदर से आए कहते इसको इसको कहते, कह रहे चुप हो जा, मुझे तो पता है कौन हरामी है। मैंने कहा है, मैंने कहा ये इसने मेरे को डेंट दिया हुआ है, आपको ये नहीं दिख रहा, ये तो वही बात है कि डेंट देके एक्सीडेंट में खुद ही चौड़े हो गए, और इसको बोल रहे चुप हो जा मुझे तो पता है कौन हरामी है। मतलब ओ, मैं ऐसा सोफे में बैठ के रो रहा, मैं सोच रहा मेरा तो कोई नहीं रहा, मेरी चिता पे रोने वाले यही मेरे कातिल है। हाँ और माँ मेरे को इसको कह रही, माँ इसको कह रही आजा तू ऊपर सो जा मेरा बच्चा। फिर मैं कम्बल के अंदर ना ऐसे रो रहा, सुबह उठ के मुझे कह रही तुझे कंबल के अंदर खराटे ले रही थी, मैंने कहा खराटे नहीं ले रहा था, मेरे नाक में मेरे आंसू जम गए थे, मैं ऐसे कर रहा था। तो ऐसे ऐसे आवाज आ रही थी। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ दोस्तों, मेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, तू से कर तू घर से निकल रही थी। जब जब ये घर से निकल रही होती है ना, मुझे देख के बहुत सुकून मिलता है, पता होता है मुझे कि ये वापस आ जाएगी। क्यों तूने कौन सी फिल्म बनानी कैमरे की बैटरी से, जब जब ये घर से जा रही होती है मुझे देख के दृश्य बड़ा मजा आता है, पता होता है मुझे वापस आ जाएगी। मुझे लगता है कुछ देर के लिए सही निकल, कुछ देर के लिए सही, मेरे को इकलौता बच्चा वाली फीलिंग आती है। क्या करना है तूने, बैठी कराना है कोने में, चल घोड़ा ही पकड़ा दे मुझे, लेके जा, मैं लेट हो गई हूँ, लेके जा। अच्छा मैं फोन लेके आती हूँ, फिर उठा दी। सिमान बाहर है, मैं ढूंढा कर कूड़ा ना फेंकने के, दिखा दिखा नौ चौतीस हो गए ऐसे, नौ चौतीस हो गए कह के तू कूड़े से बच नहीं सकती, कूड़ा उठा उठा।
हूँ, फिल्म बना दूंगी। इतनी बेइज्जती करने के बावजूद सिवान तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दाद तो भगवान ने तुझे दे ही रखे हैं, मैं दाद दे देती हूँ। इतनी बेइज्जती की बात भी ना, गिरा दिया ना उठा। इतनी बेइज्जती करने के बावजूद ये लड़की इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरा बैग, मेरे लत्ते कपड़े उठा लेती है ना कि क्या ही बताऊं। थैंक यू भी नहीं बोलती कभी। उड़ा उठा उड़ा उठा, हेलो हेलो तो हो गया यार। और टाइम सही है, आज से दिवाली की सफाई शुरू हो रही है। या तो दिवाली की सफाई कर दे या तो फिर बालकोनी में चढ़ियो और फिर जैसे हर साल मेरी मौत का तमाशा देखती है, मैं भी तेरा देखूंगी। समझ गई ना भाई? बालकोनी में चढ़ के अपनी जान को हथेली पे रख के, नहीं हथेली पे भी नहीं होती जान, हथेली पे तो लाइटें हो पकड़ी होती है मैंने, मैं लड़ी लगाती हूँ हर साल और ये लड़की देखते है नीचे से मेरी मौत का तमाशा। तो इसी से घर की साफ सफाई कराएंगे दोस्तों, दिवाली आ रही है ना इसलिए। तो भाई ये काम दिया है मम्मी ने मुझे, ये बाल्टी भर के कपड़े छत में छोड़ना है दोस्तों, फटाफट से इन्हें छोड़ कर आते हैं। आहा, क्या कड़क धूप है। चलो पड़ोसी आंटी की चप्पल पहन लेते हैं, छत गर्म होगी दोस्तों। आंटी अगर आप वीडियो देख लिया तो थैंक यू। चलो पड़ोसी आंटी की चप्पल पहन के ना मुझे कुछ महसूस हुआ, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। एक मिनट, पहले पराई चप्पल उतार देते हैं दोस्तों। ऐसी चप्पल अब मुझे आंटी से पता करनी पड़ेगी और अपने पिता श्री के लिए मंगवानी पड़ेगी। ये जो चप्पल है ना, गलत उंगली दिखाती सॉरी दोस्तों, ये जो चप्पल है ना इसमें कांटेदार ये सिलिकॉन लगा हुआ है, ये पैरों का इको प्रेशर को अच्छा प्रेशर दे रहा है। अब पता नहीं क्या बोल रही हूँ पर सही बोल रही हूँ मैं, कुछ तो हुआ था मुझे, अच्छा फील हुआ था। तो ये चप्पल हम पिता श्री के लिए जरूर मंगाएंगे। मम्मी पड़ोसी आंटी के चप्पल में ना वो है कांटा, और वो ऐसा कांटा चुभ रहा है तो बढ़िया इको प्रेशर बन रहा है, पापा का गैस ठीक हो जाएगा। ये भी डालना है, ये तो धुला ही नहीं है। अच्छा ठीक है, दोबारा वही चप्पल पहनेंगे दोस्तों। क्या बंद करोगी? कर दो। मुझे लगा मम्मी धमकी दे रही है, तेरा मुंह बंद कर दूं अब। ए हेलो, ए पड़ोसियों के बच्चों को छेड़ रही है। इस बार में पड़ोसी शिकायत करेंगे तेरी, अच्छा लगेगा। बंदर है, बंदर नहीं। का है बंदर? तो अब क्या ही बोलूं, छोड़ यार कुछ है। तूने बच्चे को कैसे छेड़ा? तूने छेड़ा वो छोटा सा बच्चे को छेड़ा इसने? नहीं छेड़ा। बता दूं तेरे डैडी को? सरफ की स्मेल इसलिए आ रही है, पोछेगी बाल्टी में सरफ डाल के तैयार किया हुआ है, लगा दे, दिखा दे सबको, दिखा दे। जैसे बचपन में हम मौसियों को दिखाने के लिए झाड़ू लगाते थे, आज तू सबको दिखाने के लिए लगा दे। अभी तो मुझे फिलहाल बहुत भूख लग रही है, भूखी हूँ। क्यों, नाश्ता करके नहीं गई थी? नहीं। बड़ी बदतमीज लड़की है, इतना नाश्ता कराया था गर्मा गर्म पूरी और छोले, कह रही है नहीं कराया था। हाँ करके गई थी। हाँ याद आ गया। हाँ अच्छी चीजें अक्सर तुम भूल जाती हो, कोई बात नहीं। हाँ जी मंत्री आ चुके हैं जी, हम गेट बंद कर देते हैं मंत्री साहब का। वाओ यार मैं गंजी कहाँ से हो गई हूँ? यहाँ से मेरे, रुक जा ना, एंगल तो लेने दे। गंजी ही नहीं, तुम बुढ़ी भी हो गई है, तुम्हारा सफेद बाल। गाइस इसका सफेद बाल कहते हैं, किसी का सफेद बाल है ना जो तोड़ना नहीं चाहिए और हो जाते हैं। तो हमने तोड़ दिया। बेटे की सुमन तेरी जड़े भी दिख रही है भाई। एक दो तीन पांच बाल तोड़ दिए। अबे तू पांच बाल नहीं, तू जड़ देख। अब इसको उगा देते हैं पौधे में, बाल उग जाएंगे, आ जाएंगे। सर में उगा ले, तेरे कम हो रहे हैं ना बाल। मम्मी पागल है तुम्हें, अभी झाड़ू पोछा हुआ था इसने, जमीन में अपने बाल लगा गिरा दिए। आने दे मम्मी को, आने दे तू, आने दे आने दे आने दे आने दे मम्मी नु, आने दे तू, रुक जा तू रुक जा। ये क्या हो रहा है? वायरस डाल रही है, अलग अलग बहाने ढूंढती है मुझसे बदला लेने के। मेरी मेहनत का लिया हुआ लैपटॉप में वायरस डाल रही है दोस्तों, क्या जहर डाल रही है इसके अंदर। इतनी मेहनत करने से अच्छा इसके अंदर वायरस ऐसे चले जाएगा, यहाँ पे अपना दांत चुबा दे। हाँ यही वाला, ये इधर वाला चुबा दे। एक बार दिखा दे सिमान, नहीं प्यारे दादा माँ भगवान कसम, देखो कोई क्रॉस नहीं किया मैंने, कोई भी भगवान नहीं कसम, चाहे मैं सिमान के दांत का कितना भी मजाक उड़ा लूं, सिमान के दांत है ना मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, भगवान कसम। देखो कोई क्रॉस नहीं है, भगवान कसम, नहीं झूठ रही, भगवान कसम, आदमी झूठी क्यों खाएगा। सूरज भगवान की कसम, थोड़े थोड़े तो गंदे लगते हैं पर बाकी क्यूट ज्यादा लगते हैं। अब तू दांत दिखा, मैं बता रहा हूँ क्यूट कहाँ से लगते हैं, दिखा दे। इतने क्लोजअप से हो ठीक है, दूर कर दिया मैंने, दूर कर दिया फोन देख। हाँ भाई ये वाला तीत मुझे इसका क्यूट लगता है, दिखा ना ये। नहीं ये जो छोटा वाला, ये जो बादलों के पीछे छुपा रहता है, ये दान मुझे सबसे क्यूट लगता है। तू कर क्या लिया? मम्मी कह रही है एप्पल खाने चाहिए, फेस में रेडनेस आती है। मम्मी बच्चों का वो भी तो देख लो, थोड़ी सी बॉडी तो देख लो,
भाई एक बात है, माई होती है जिसे अपने बच्चे हमेशा कमजोर लगते हैं। बाकी मेरी उम्र में जिनके खुद के बच्चे 10-10 कुंटल के थे, वो आज मुझे कहीं शादी पार्टियों में मिलते हैं तो बोलते हैं, बेटा थोड़ा वजन कम कर ले, कितनी मोटी हो गई है। क्यों, तुम्हारी खुद की आंखें क्या अंधी हो गई थी उस टाइम पे जब तुम्हारे बच्चे मेरी उम्र में 10-10 कुंटल के थे? अब जिन जिन के मोटे थे वो समझ लो मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि मोटे सबके भी नहीं थे, है ना। सही खिला रही है मेरी मम्मी एप्पल, मुझे दिमाग तो बढ़ रहा है मेरा, सही आया था ना अभी बताया था ना, इंसान का बच्चा हूँ, चबा चबा के खाता हूँ। अब वो पीछे सपोली बैठी है, डसती है, ये नाग है ना, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है दोस्तों। ये सड़क पे तीन भाई खड़े होके भाइयों की बदमाशी चल रही है, बदमाशी। एक डाकू मेरे घर में भी है। तुझे तीन सेब दिए, मुझे दो। अबे चार। क्यों, तू ज्यादा कमजोर लग रही है मम्मी को। मैं मेहनत करके आई हूँ क्लास से। ले मेरे से का भी एक खा ले। मेरे सेब में तो मेरी माँ ने दिल बना के दिया, कितनी रोमांटिक है। तूने दांत तो नहीं मारे? पागल है क्या तू? भाई सर्दी आ गई है ना, तो मम्मी ने गद्दा रजाई सब धूप में डाले हैं दोस्तों। आपकी मम्मी ने भी डाले हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ क्या हुआ? सारी फाइल्स डिलीट कर दूं? क्यों? ये सब डल गई ना। अच्छा तेरे को क्या मतलब, ये सारी हमने अपलोड कर दी है? हाँ, डिलीट कर दूं? नहीं तू फिर भी डिलीट मत कर, तू पागल है। नहीं नहीं सिमान, तेरे हाथ से कुछ भी काम होता है ना उल्टा ही होता है। अच्छा। तू मत कर, तू रहने दे। वैसे भी अपनी की भी गलती कम लगती है, दूसरे की भी ज्यादा। तो अगर ये मैं डिलीट करूंगी और कुछ उल्टा, सही बात है ना, अगर मैं ये डिलीट करूंगी कुछ खराब हो गया तो मुझे इतना टेंशन नहीं होगी। तू करेगी तो फिर मारम पिट्टी में बात आ जाएगी। तो पीटोगे ज्यादा मारने लग गई। बार बार बोलती है मुझे पीटेगी पीटेगी, इसने मुझे पीटा भी है। ये देखो भैया, ये तो यटी निकली, यटी होता है, यती होता है, जो भी होता है यही है वो। पांच मिनट पहले का सीन याद है, वाइपर से तूने दो नहीं मारे अभी अभी? हाँ अभी मैंने इसको दो बार वाइपर से मारा, क्योंकि पोछा नहीं लगा रही दोस्तों, और साजिश भी मैंने रची दिया इससे पोछा लगवाने की, चार बार मैंने इसकी गिराई दी है। यार मेरे को अभी याद आया मैंने स्विच बंद नहीं किया था, मम्मी के आने से पहले हो गया। ये सनलाइट का ना, सूर्य ऊर्जा का मेरी मम्मी पूरा सदुपयोग करती है दोस्तों। देखो जब थोड़ी थोड़ी सर्दी आ जाती है, मेरी मम्मी पानी की बॉटल रख देती है सूरज देवता के बिल्कुल सामने, और फिर ये पानी है ना सही में थोड़ा सा गुनगुना हो जाता है ना सिमान। तो सूर्य ऊर्जा का सही इस्तेमाल कौन कर रहा है? मम्मी। ओह क्या हो गया था तुझको, क्या हुआ था? देखा सर दर्द की दवाई दो, ये क्या हो गया तुझको? ओ भैया लाली लिपस्टिक आईलाइनर सब लगा के, ओ ये तो अब देखा मैंने, ये यार फिर दांत भी आ गए, घूम फिर के भाई, घूम फिर के आदमी वहीं आता है जहाँ उसे प्यार मिलता है। मुझे तो प्यार तुम्हारे टिक दांतों में ही मिलता है। ये यही रख देता है दोस्तों, थोड़ा गुनगुना हो जाएगा। तो भाई लंच टाइम हो चुका है, लंच में आज मम्मी ने बनाया है ये जीरा राइस और मिक्स दाल। जीरा राइस मुझे बहुत पसंद है पर मिक्स दाल बिल्कुल भी नहीं, तो आज मैंने बहुत ही कम खाना लिया अपनी सेहत के अनुसार दोस्तों। फटाफट से इसको खत्म करते हैं खाके और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गुड इवनिंग गाइस, अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, दिन में आई खाना खाने के बाद इतनी प्यारी नींद, और अभी है ना मेरे हाथ में ऐसे धुक धुक जैसे दिल धड़कता है ना, मुझे लगा लोगों का दिल गले में आता है, मेरा हाथ में कैसे आ गया ये देख रहे हो? जायस ने अपना जहर छोड़ा था भाई, जायस ने मुझे नाखून मारे थे ना यहाँ पे, अब मेरा ये हाथ है ना ऐसे अंदर से ना नसे धक 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 कर रही है। अबे सही में, और ये पता है कैमरे में दिख नहीं रहा पर मेरी ना नील पड़ने लग गई है। नील पड़ने का मतलब है कि अब इसका वो जहर काम करने लग गया है, ठीक है, अब इसका जहर काम करने लग गया है, ये देख रही हो यहाँ से पूरा नीला पड़ने लग गया है मेरा हाथ, और साथ में मुझे दर्द भी हो रहा है। फिलहाल के लिए मैंने अपने हाथ में बीटाडीन अप्लाई कर लिया, अब मेरे को कल डॉक्टर के पास हो सकता है जाना पड़ेगा, क्योंकि सच में देख रहे हो पूरा नीला पड़ने लग गई मेरी हथेली, और अंदर से धक 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 कर रहा है मेरा नसें, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुत्ते का इंजेक्शन लगाना है रेबीज वाला या नॉर्मल से काम चल जाएगा। गंदी तो तू है जिसने ट्यूशन के नाम पे बच्चे को बंदी बना रखा है। बंदी नहीं बनाया मैंने, बच्चे का भला चाहती इसलिए पढ़ा। बंदी नहीं बंदी, बंदी बंदी कैदी, राइट। देखा खुश हो रही है? ओए नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं अच्छा चाहती हूँ, बच्चे का भला चाहती हूँ, इसका फ्यूचर ब्राइट हो। देखा अपना तो गल्ले दू, अपना तो अंधकार हो रहेगा, उसका क्या ब्राइट करेगी? क्यों रह दू? हाँ इस दिवाली एक मोमबत्ती अपने फ्यूचर के नाम की जला लियो, क्या पता थोड़ा सा उजाला हो जाए। खेले जहरीली कहीं की, भैया जहरी है, नीला कैसे हुआ? मैंने भी तो तेरे को मारा था, तेरा तो नीला नहीं पड़ा क्योंकि मैंने इंसान हूँ मैं। अरे ये तो तूने किसी को ऐसे कोनी बना के मुक्का मारा था गुंडी, इसलिए तेरा यहाँ यहाँ से गुंडों के हाथ ही टूटते हैं, हमारे तो नहीं टूटे भैया, हमारे तो बढ़िया। ये देखो नेल पॉलिश मेरी, ये चुप जाओ, अपने किए किए की भरपाई करो, दवाई लो अपने जहर मारने की, कौन सी दवाई है तुम्हें ही पता है, लो जल्दी। नहीं है
मतलब यही जहर मेरी मौत की वजह बनेगा। इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ। एक तो जो तूने किया है ना उसके बाद तुझे ऑप्शन देने नहीं चाहिए। इधर आ, फिर मैं तुझे ऑप्शन दे रही हूँ, बता कौन सा वाला बोल। और सुन, तेरे खाने की चीज ना मेरा हाथ नहीं है, ठीक है, और तेरे खेलने की चीज भी मेरा हाथ नहीं है। तू ये सब, ये सिलिकॉन हड्डी चबाया कर, बता कौन सा लेना है। BTS, BTS पर्पल, पर्पल, BTS पर्पल। दवाई नहीं मिलेगी, अगले कैमरे में पूछते। चलो भाई, बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, हद से ज्यादा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है सही में कल इंजेक्शन लगाने जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। अब तो मुझे भगवान का नाम भी सुनाई देने लग गया। सिमोन माय ओटीटी है ना, पीछे इतने सारे बच्चे एक साथ पैटी में मुंह मार रहे थे, मुझे लगा फ्री में मिल रही है, मैं खड़ा हो गया एक सेकंड के लिए। चल यहाँ पे पूछ। ओए मुझे मिल गया तेरे लायक चीज। ओए ओए, सही में सही में सही में तेरे को उसकी सख्त जरूरत है, पूछना पड़ेगा भैया। स्टील या लोहे में मिलेगा या मुंह पे बांध? नहीं है तो एक बार के लिए पूछ ही ले कवाई की बहन, तो खुश हो रही है कि दोनों कैमिस्ट में नहीं मिली। पूछ, जल्दी पूछ भाई। हाथ में हो रहा बहुत ही गंदा वाला दर्द, और दवाई दोनों से किसी कैमिस्ट में नहीं है। और ये काम नहीं भाई, इसमें इतनी तमीज नहीं, पूछ लूँ भाई दवाई कब तक आएगी। बंदी खुश होकर निकल रही है, खैर बधाई हो, यहाँ भी रही है। सिवान, इस दिवाली क्यों ना बस ऐसी तीन बॉले टांग दी जाए, हम तीनों बहनों की नाम की घर जगमग जगमग हो जाएगा। सो जी, हम आ चुके हैं घर। घर आते ही हमने रख दिया है तवा चूल्हे पे। अब ये तवा गर्म होते ही हम रखेंगे इसमें रोटी। मैं नहीं, ये बना रही है रोटी, मेरा काम है बांडे बूंडे धोना और इस ब्लॉग को एडिट करके अभी लाइव करना। सो यस गाइस, ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, अभी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।